हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार आज यानी कि आज मॉर्निंग में जब आप लोग पेपर देकर आए होंगे तो आपके अंदर एक जबरदस्त उत्साह होगा और आपको ये जानने की इच्छा होगी कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये अक्टूबर मंथ का अपना पहला टेस्ट था, पहला मेजर टेस्ट था, और आज हम लोग देखते हैं कि हमने इसमें कितना स्कोर किया है डियर। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन ऑन बोर्ड। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं डियर आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेश के पास कुछ, वैसे आपके लिए ये स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और अगर बाई चांस अगर नहीं आता तो मैं पढ़ रहा हूं, आपके पास पेपर तो है, कोई बात नहीं। या जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं यूट्यूब पे मुझे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डियर जाएं और डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो का, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, इसका पीडीएफ नीचे पड़ा हुआ है, पीडीएफ आप बेटा डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको जबरदस्त मिल जाएगा पेपर, उसके बाद आप आइए एक एक सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं डियर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है डियर, आपको ये दिख रहा है कि सुरेश के पास कुछ मुर्गियां और उनके, ठीक है, सुरेश के पास कुछ मुर्गियां हैं जिनके पैरों की संख्या 80 है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि उसके पास मुर्गियां हैं, क्या है, हेंस मुर्गियां। अब ये जो हेंस है डियर, मुर्गियां हैं, मुर्गियों के पैरों की संख्या है 80, कितना है 80। और देखिए उसके बाद, और उसके पास कुछ बकरियां हैं और बकरियों के पैरों की संख्या है कितना, 40। गोट बकरियां हैं डियर और बकरियों के पैरों की संख्या है डियर कितना, 40। अब वो कह रहा है कि मुर्गियों और बकरियों की कुल संख्या बताओ। अरे डियर, हेंस माने मुर्गियां और मुर्गियों का मतलब कितने पैर, 2 पैर। अब ये बताओ अगर इसके पास 80 पैर हैं तो इसका मतलब इसके पास कितनी मुर्गियां हैं, 40 मुर्गियां हैं। बोलो हाँ या ना, पक्का, वेरी नाइस। बकरियों के पास कितने पैर होते हैं डियर, बकरियों के पास 4 पैर होते हैं, इसका मतलब आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा डियर, 10 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल मुर्गियां और बकरियां कितनी हो गई, टोटल हो गई डियर 50। 50 बोले तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। आइए डियर क्वेश्चन नंबर 42 जब हम लोग करते हैं डियर, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, 4, 6, 9, इधर देखिए, कह रहा है कि 4, 6, 8, 9, 0 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर डियर। तो 4 कहाँ है बेटा, 4 यहाँ है, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, जल्दी से बोलो, 4 लिखकर 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0। उसके बाद कह रहा है इसका अंकित मान बेटा, अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू, ये सारी बातें एक ही होती हैं, तो 4 का बेटा 4 ही होता है। इसमें से माइनस करिएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9, 9, 9, यानी 9000 कितना होगा, ये होगा आपका कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, ये 40000 था बेटा। और 40000 में से जब 4 आप घटाइएगा तो हो जाएगा 39996। बोले तो आपका आंसर नंबर आपका आएगा बेटा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के थे। अगर आप बच्चों के अंदर थोड़ा सा अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल होता बेटा, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मुझे लगता है सारे बच्चों का सही गया ही होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 2 × 3 × 5 × 7 और 3 × 5 × 7 × 11 का मासा क्या होगा बेटा। मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब होता है HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें और इसमें वो ज्यादा से ज्यादा कॉमन संख्या जो हो बेटा उसको बाहर निकाल लो। तो देखो इसमें 2 नहीं है, इसको हटाओ, 3 को पकड़ लो, 5 को पकड़ लो, 7 को पकड़ लो, इसका मतलब 3 × 5 × 7 बेटा इसका मासा हो जाएगा, 3 × 5 × 7। बोले तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बेटा, क्या
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आपने सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 यानी तीन के तीनों क्वेश्चन आपकी जेब में जा चुके होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है डियर, कह रहा है इसमें से कौन एक के बराबर है, इसमें से कौन एक के बराबर है डियर। तो आपको देखिए, सबसे पहला जो दिया गया था आपको 0.8 × 7/10 × 5.6 ये दिया गया था बेटा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 56 बेटा। अब ये कट जाएगा लेकिन ये 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, क्या है ये बिल्कुल गलत है। अब आ जाओ, ये तो आपका ए नंबर ऑप्शन था, अब आइए बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 0.8 × 7/1 में कितना बेटा 1 × 5.6। आओ देखते हैं। अब देखो इसको 8 × 8 और 8 × 7 = 56 क्योंकि बेटा एक एक स्थान पे है तो ये दोनों कट जाएगा, 8 × 7 = 56 और 7 × 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका आपका जो इसमें आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। बोलो हाँ ना, बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 44 नंबर क्वेश्चन था, 44 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चीज़ें इतनी आसान होती हैं कि जितना आप है ना आप आशा भी नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चार के चारों क्वेश्चन बेटा आपके बिल्कुल सही हो गए होंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं अपना सॉल्यूशन। लेकिन इसके पहले हमें बोर्ड को करना होगा क्लीन। तो वो बच्चे कमेंट करके फटाफट बताएं जिनके अब तक 1, 2, 3 और 4 यानी कि चार के चारों क्वेश्चन बेटा आपके सही गए हैं। वो बच्चे फटाफट कमेंट करके हमें बताएं। ओके बेटा, चल फटाफट कमेंट करो, कमेंट करके बताओ यार। मजा आता ना कि जब आप चार क्वेश्चन हिट किए और चार के चारों क्वेश्चन आपके जबरदस्त सही चले गए हो। बात समझ में आ रही, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा, इतना सिंपल सवाल तो मैंने आज तक देखा नहीं बेटा। आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 3/4 × 2 बेटा और +3/2। अब देखो वैसे भी आप जानते हो यार, चार को चार से भाग करते हो कितना आता है एक आता है, वैसे ही बच्चा 3/4 को 3/4 से भाग करोगे कितना आएगा एक। तो 1 × 2 + 3/2 बेटा, तो 2 + 3/2, 2 × 4 = 7/2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कितना आएगा 7/2। तो जो 7/2 है बेटा वो 7/2 आपका कौन सा ऑप्शन है, 7/2 आपका ऑप्शन नंबर बी है बच्चे। क्या है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आपका 45 में बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पिंदी टाइप का था। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 के बाद बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा बेटा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो भाई सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं, पहले बताइए कि सम संख्या किसे कहते हैं बेटा, बताइए सम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, तो बेटा 2 से क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 से 8 कटेगा और 2 से 10 कटेगा। यही तो हो गई 5 संख्याएं। अगर ये 5 प्रथम सम संख्या हो गई बेटा तो इनका औसत निकालने के लिए 5 से भाग कर दो। तो देखो 10, 8, 18, 18, 6, 24, 18, 6, 24, 24, 4, 28 दो बेटा 30, कितना 30 और 30 का बटा 5 करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोले तो क्वेश्चन नंबर 46 में बेटा आपका आंसर आ जाएगा सी वाला आंसर बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा का पूरा सवाल सही किए होंगे। कितना मजा आता है यार कि जब आप जितने भी क्वेश्चन हिट किए हो बेटा और वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो, सारे के सारे क्वेश्चन जबरदस्त सही चले जाएं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार इतनी छोटी सी मैंने गलती कर दी, अब तो दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन
यही सारी बातें होती हैं डियर, जो आपको एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में जाकर और अच्छा स्कोर करने पे मजबूर करती हैं कि भाई अब की वाले टेस्ट में जो गलती हो गई है फिर हमसे अगले वाले टेस्ट में वो गलती नहीं होगी। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 आपका हो चुका है, अब आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पहले तो आप फटाफट पढ़ लो बेटा, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। एक साइकिल सवार 3 मिनट में, बेटा क्या कह रहा है वो, 3 मिनट में, 3 मिनट में एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति, उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी। अरे बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन, मीटर। अब ये बताओ कि अगर वो 3 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है तो चलो ठीक है, चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बोलो हाँ यार। तो भैया जी दूरी कितना है, दूरी है 1.2 किलोमीटर और समय कितना है बेटा 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट इज नॉट अलाउड हियर, 3 मिनट इज नॉट अलाउड हियर। तो 3 मिनट नहीं रखना था तो उसको घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए जानते हो 60 से भाग कर देते, और तुमको ये बात पता है कि बटे का बटे बेटा ऊपर चला जाता है। बोलो हाँ या ना। तो ये यहाँ पे चला गया और इस दशमलव को हटाने के लिए इस जीरो को कुर्बान कर दो बेटा, तो 3 × 6 तो 12 × 2 बेटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है ए, ए। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन था बेटा उसका आंसर नंबर ए है। अब की बार कुछ ज़्यादा ही मजा आ रहा होगा क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे अब की बार हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे बेटा, आपको कैसा लग रहा है सेशन आप नीचे कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है, ऐसे लिखो मजा आ रहा है, मजा आ जाएगा फिर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 तो हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आप पढ़िए, तब तक हम आपके लिए बोर्ड को कर देते हैं क्लीन और फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। रुक जाइए, दो काम एक साथ नहीं करते बेटा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि बोर्ड भी क्लीन कर दें और आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ दें, तो पता लगा हम क्वेश्चन मिटाना ही बंद कर दिए थे। तो चलो अब हम एक काम कर लिए, अब दूसरा काम आपके लिए करते हैं। तो दूसरा काम क्या है, ये है कि यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर, 4 कलम इधर देखो, इधर देखो 4 कलम जो है बेटा वो किसके बराबर है, 16 पेंसिल के बराबर है। हाँ ठीक है, 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 96 पेंसिल के बदले कितने कलम मिलेंगे। तो बेटा जी 96 पेंसिल के बदले कितने कलम मिलेंगे, है ना उल्टा, कुछ नहीं भाई, 16 पेंसिल बोले तो बेटा 4, तो ये बताओ ये कितना गुना है, 16 × 6 बेटा कितना गुना है, ये 6 गुना है, ये कितना गुना है 6 गुना, तो बेटा जी इसको भी 6 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोले तो 48 में बेटा आपका आ जाएगा सी, नहीं समझे, अरे यार देखो इधर देखो, इधर देखो इधर, 16 पेंसिल 4 कलम, तो 96 पेंसिल तो 16 × 6 बेटा 6 times, तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 6 × 4, देन यू गेट 24, समझ में आया, बस उधर भी, अरे भाई इधर 6 गुना करो तो इधर भी तो 6 गुना करिएगा, बस वही चीज और क्या। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कह रहा है यक्ष का मान क्या होगा, x का 5% बेटा कह रहा है, x का माने बेटा गुणा 5% बोले तो बेटा 5/100 प्लस क्या कह रहा है, x का 5% प्लस 75% का 16% बेटा, 75% माने गुणा 16% मतलब 16/100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग करते हैं इसको, क्या 5 × 5 = 5 बेटा, यानी कि एक्स अपान 20 प्लस 25 से काटेगा 25 × 3 = 75 बेटा 25 × 4 = 100 4 × 4 = 16 4 × 3 = 12 बराबर कितना बच्चे 16। तो ये बताओ भैया मेरे एक्स अपान 20 बराबर, भैया इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू ये भाग है, इधर क्या हो जाएगा गुणा, गुणा हो जाएगा, तो 20 चौका बेटा 80 होता, हमसे भी गलती हो जाती है,
बीस चौका 80, क्या हो गया 80। तो x की वैल्यू बेटा आपकी आ रही है 80, क्या 80 है इसमें? हाँ बिल्कुल है बेटा, 80 आपका बी नंबर ऑप्शन, 49 में बी। अब आ जाओ बेटा 50, देखो कितना फटाफट हम लोगों ने कर लिया ना, कितना फटाफट चीज़ें हो जाती जब हमको मैथमेटिक्स आती है, जब हम पुराने पढ़ाए हुए भैया के कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो कितना मज़ा आता है बेटा। मज़ा आपको तभी आएगा बेटा जब आप पढ़ाई करोगे, इसीलिए कहते हैं कि जब आप क्लास में रहो, जब आपको टीचर पढ़ाता है तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके, जो भी बच्चा क्लास में मस्तीबाजी करता है बेटा, जो भी इधर उधर नौटंकी करता है, उसको कभी भी ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं सीखने में आता। और जो बच्चा क्लास के कॉन्सेप्ट नहीं सीखता बेटा, उसी को समस्या होती है। बाकी आज मुझे ऐसा लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन था कि अब तक जो 9 क्वेश्चन हुए हैं, ये शायद ही किसी बच्चे ने, अब की बार क्या होगा ना, अब की बार क्वेश्चन गलत करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या ही बताएं, इतना सिंपल क्वेश्चन, ओहो लालच आ रही मतलब यार। चलो, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए और फिर 105 रुपये में बेच दिया बेटा। सुनो 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 सुनो, क्या कह रहा है, 87 रुपये में खरीदी बेटा, कितने में, 87 रुपये में खरीदी, और उसके बाद बच्चा इसने क्या करा, इसने 10 रुपये इसकी मरम्मत पर लगाए। बेटा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मरम्मत पर या उसको बनवाने में या उसकी कुछ भी रिपेयरिंग कराने में जो भी खर्चा आता है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ता है बेटा। तो ये हो गया 87 10 97 बेटा, कितना हो गया ये 97 97 रुपीज, ये क्रय मूल्य हो गया बेटा, सीपी कॉस्ट प्राइस में आएगा, ये सीपी में आएगा, कॉस्ट प्राइस में आएगा। अब क्या कर रहा है उसके बाद इस बंदे ने 105 रुपये में बेचा, कितने में बेचा बेटा 105 रुपये, ये सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस थी, और एसपी इसका हो गया बेटा कितना 105। तो हमें ये बताइए सबसे पहले कि उसका लाभ हुआ कि हानि, भाई 97 रुपये में उसने खरीदा कह लो और 105 रुपये में बेचा, तो उसका फ़ायदा ही तो होगा बेटा, कितने का होगा 8 रुपये का, कितने का 8 रुपये का, तो यही केवल रुपया पूछा था, हाँ 8 रुपये का लाभ, 8 रुपये का लाभ बेटा। चल अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है, ले 1500 रुपये इन्होंने बंदा उधार ले लिया, अब क्या होगा, यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उन्हें कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। भाई लौटाने का मतलब होता है बैंक ने उनको कर्जा दिया है बेटा, बैंक ने उनको उधार दिया है, तो जब बैंक उनसे लेगा तो उनसे ब्याज भी लेगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज बेटा क्या होता है, मिश्रधन होता है यार। तो चलो ठीक है, 1500 रुपये का बेटा, 1500 रुपये का कितना कह रहा है, 11% वार्षिक ब्याज की दर से, 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद बेटा, तो 2 वर्ष के बाद देखो कितना रुपए हो जाएगा, तो 100 100 100 100, तो कितना हो जाएगा बेटा, 11 दूना 22 और 22 गुणे 15, तो बेटा 15 दूना 30 और 15 दूना 30 3 33, यानी बेटा जी 330 रुपये, देखो कोई गलती तो नहीं हुई, 15 दूना 30 की 0 और 15 दूना 30 3 33, यानी 330 रुपये उनको ज़्यादा देना पड़ेगा बेटा। और 330 रुपये अगर 1500 में जोड़िएगा बच्चा तो कितना आएगा बोलो, 0 3 8 1, यानी 1830 रुपये उनको वापस करना पड़ेगा, यानी आहूजा जी का हो गया घाटा। लेकिन बेटा इसको घाटा नहीं कहते, हो सकता है उन्होंने उस 1500 रुपये से तो बड़े पैसे कमा लिए हों, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो ठीक है बेटा, इसमें आएगा आपका 1830 रुपये, और 1830 रुपये आपका 51 में बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे बच्चों ने जबरदस्त ढंग से ये सारे क्वेश्चन किए होंगे, और 51 तक तो किसी बच्चे का तो कुछ गलत ही नहीं हुआ होगा, है नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि 43062, 43000 बेटा 43062 को घात के रूप में लिखना है बेटा। घात के रूप में आप जानते हो इसका स्थानीय मान मैंने आपको सिखाया था, ये होता है 2 × 10^0 बेटा, ये होता है 6 × 10^1 बेटा, ये आपका 0 × 10^3 कितना बेटा 2, और ये क्या होता है बेटा 3 × 10^3, और ये बेटा 4 × 10^4,
चार गुणे दस की घात चार। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, व्हेन एवर यू वांट टू राइट दिस इन द फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, देन यू विल राइट दैट व्हाट व्हाट, क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा इसको 4 × 10⁴ प्लस 3 × 10³ प्लस 0 तो 0 प्लस 6 × 10⁻¹ बेटा और प्लस 6 × 10⁻¹। ओके बच्चा, तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहोगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 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 करेक्ट है बेटा, तो 4 3 0 6 यस डेफिनेटली योर करेक्ट आंसर इज बी बेटा, क्या बी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 52 को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट किए होंगे, बोलो हाँ ना बेटा, पक्का। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 के बाद अब आते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 53। बट अब बोर्ड आपका हो चुका है कंप्लीट, इसलिए सबसे पहले इसको करना पड़ेगा स्वीप क्लीन, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। चलो बेटा, हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 52 तक आप लोगों ने बिल्कुल कंफर्म कर लिया होगा और हमें तुरंत आप कंफर्म करके बताएं बेटा, हमें तुरंत कमेंट करके आप ये बताओ कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर 52 तक 12 के 12 क्वेश्चन सही कर लिए। अगर आपने कर लिए होंगे तो मतलब सैल्यूट है यार आपको, मतलब जबरदस्त गुड। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर जब 53 पे आते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 53 जो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिएगा, एक टंकी में दो नल हैं, एक नल ए है और एक नल बी है, ठीक है। एक नल ए उसे 10 घंटे में और नल बी 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों नल 7 बजे खुले हों तो टंकी कितने बजे भरेगी बेटा। तो देखिएगा ध्यान से, जो नल ए है बच्चा, ए जो है ए कितने घंटे में भरता है बेटा, ए भरता है आपका 10 घंटे में, और जो बच्चा बी है वो बी कितने घंटे में भरता है बेटा, बी जो है बेटा बी 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 हाँ बी 15 घंटे में भरता। तो सुनो ध्यान से, पहले आप ये देख लो कि अगर ये 10 घंटे में भरता है तो ये एक घंटे में कितना भरेगा बेटा, एक घंटे में 1/10 भाग भरेगा और ये एक घंटे में 1/15 भाग भरेगा। तो दोनों एक घंटे में कितना भर लेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ लो। जैसे ही आप जोड़िएगा 10 और 15 का लास आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 7/7 कितना बेटा 7/30। यानी कि एक घंटे में टंकी बेटा, एक बार फिर से देख लो, 15 दूना 2 15 दूना 30 और 10 तिया तो 3 × 3 = 5 यहाँ पे आएगा बेटा 5/30। तो दोनों एक घंटे में बेटा 5/30 भाग भरेंगी, तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा बेटे बोल दे, 30/5 तो आ जाएगा 6 घंटा। और 7 बजे चला था बेटा, अगर 7 बजे चला था तो 6 घंटा जब जोड़ेगा तो 7 × 6 क्या होता है 13, 13 का मतलब 1 बजे बेटा, 1 बजे का मतलब आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा 1 PM। बोले तो ए बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है बेटा। √36 देखो क्या लिखा है, √36 × √81 बेटा, उसके बाद लिखा है √49, उसके बाद लिखा है √16 बच्चा, उसके बाद नीचे लिखा है √9 बच्चा, उसके बाद लिखा है √4। तो इतना सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यार आपको बताने की नीड है, लेकिन चलो फिर भी बेटा इसको √36 को आप 6 लिख सकते हो बेटा, इसको 9 लिख सकते हो मेरे बच्चे, और इसको आप 7 लिख सकते हो, और इसको आप 4 लिख सकते हो बेटा, और इसको आप 3 लिख सकते हो, और इसको आप 2 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो देखो बेटा, 3 को 2 से काटिएगा 2 × 2 = 4 × 9 = 36 और 36 × 7 बेटा तो 7 × 6 = 42 और 7 × 3 = 21 21 × 4 बेटा 25, बोले तो 252 आपका आंसर हो जाएगा, क्या ऐसा कोई है क्या, 252 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, और ये है आपका सी वाला ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है,
आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 55। हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही धीरे धीरे सारी चीज़ें कर लेंगे बेटा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। बस केवल अगर आपने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है, अगर आपने डिटर्मिनेशन अंदर से कर लिया है कि भाई निकालेंगे तो नवोदय निकाल के रहेंगे, तो आप निकाल लोगे यार। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब की बात तो 16-16 बच्चे यार 70 प्लस चले गए थे, वो भी अभी अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर क्या, इसके पहले सितंबर के महीने में। इसका मतलब यह है बेटा आप बहुत ही सेल्यूटेबल वर्क कर रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त काम करो। बस ऐसे ही लगे रहो बेटा, ऐसे ही लगे रहो, मज़ा आ जाएगा। अपन फोड़ेंगे बेटा, ज़बरदस्त फोड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 50 × 5.005 बेटा, उसके बाद × 0.05। ओके अब आओ इसको हम लोग क्या करें बेटा, अब इसको हम लोग गुणा कर लें। तो गुणा करने के लिए 5 × 5 बेटा क्या होता है, 5 × 5 = 25 होता है। तो इसको आप ऐसा करो, सुनो, आप इसको करने के लिए ऐसा करो, सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है कि 5 को इससे गुणा करो। पहले 5 को जब इससे गुणा करो तो 5 × 5 = 25 और 5 × 0 = 0 तो हो जाएगा 2 बेटा, फिर 5 × 0 = 0 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा मजा आएगा। 5 × 5 बेटा 25 और 5 × 0 = 0 लेकिन 2 आ जाएगा और 5 × 0 फिर बेटा 0 और 5 × 5 = 25। 3 अंक के बाद बेटा आप दशमलव लगा दो। उसके बाद ये संख्या बचती है बेटा, इसको अब आप 0.05, फिर 5 × 5 बेटा 25 और 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 12 और 5 × 0 = 0 बेटा 1, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10 = 12 बेटा। नहीं समझ में, फिर से देखो, 5 × 5 बेटा 25, 5 × 2 = 10 = 12, 5 × 0 = 1, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 12। अब बेटा देखो यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 5 अंक के बाद बेटा आपको दशमलव लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5 बोले तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1.25125। देखते हैं आंसर कौन सा है बेटा, 1.25125 आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर नंबर ए इज क्वाइट करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पे जब हम लोग आते हैं तो कहता है एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 56, घन का किनारा बोले तो बेटा एक भुजा अगर आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है तो आप उसका संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल पाओगे। अरे यार टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ बोलो क्या होता है बेटा, 6a² बोलो, हाँ या ना, 6a² तो 6 बोले तो 6a² का मतलब 5 × 5 = 25 और 25 × 6 बेटा 25 × 6 = 100, 25 × 5 = 125 और 25 × 6 = 150 बेटा 150, 25 × 6 = 150, 150 तो इसमें आ रहा है वर्ग सेंटीमीटर बेटा, क्या वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है सी, कितना रहा है सी। तो 56 में कितना हो रहा है, 56 में हो रहा है सी। तो इस तरीके से मैं ये देखा कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बेटा कर लिया। ठीक, तो अगर आप इस देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा अनवांटेड लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा संभल के बैठिए, नहीं तो आप जो है दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, इट्स ओके। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गया है, अब एक बार बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा बेटा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 56 आपका हो गया, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं क्या करना था। घन का एक किनारा, किनारा का मतलब होता है बेटा, किनारा का मतलब होता है, वेरी गुड, किनारा का मतलब होता है एक भुजा। अब अगर एक भुजा आपको पता है तो भुजा अगर आपको पता है तो आप संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टीएस से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपका वो होता है 6a² तो बेटा 6 क्या है, यस 6 है और क्या है 6 और ए स्क्वायर का मतलब 25 बेटा, क्योंकि 5 था 25 हो जाएगा 6 × 25 = 25 × 6 कितना हो जाएगा 150 बेटा, 150 cm². ठीक है, तो थोड़ा सा बारिश का मौसम है बेटा, थोड़ा सा हल्की बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कीड़े मकोड़े आ रहे होंगे, आप उन पे फोकस बिल्कुल ना करें, आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। क्योंकि देखो कठिनाइयाँ तो बेटा हमेशा आएंगी, डिस्टर्ब करने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको इतने डिस्ट्रैक्शन के बाद भी, भाई वो अर्जुन थे ना, अर्जुन जिन्होंने वो निशाना वाला चक्कर था समझते हो ना, तो
अर्जुन का हमेशा जो निशाना होता था बेटा वो चिड़िया की आँख होता था। वो कभी वो चिड़िया को नहीं देखते थे, कभी वो पेड़ पौधों को नहीं देखते थे, वो हमेशा चिड़िया की आँख में देखते थे बेटा। तो इसलिए आसपास कितने डिस्ट्रैक्शन है, कितने लोग आपके पास आ जा रहे हैं, आपको इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपका हमेशा टारगेट, कुछ लोग होंगे जो आपके बीच में बैठ के खिल्लियाँ उड़ा रहे होंगे, आपको देख के मज़ा ले रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें बेटा। क्योंकि ऐसे लोग आप ये समझिए कि बिल्कुल अवांछित तत्व हैं, इन पर आपको बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इन चूतियों के चक्कर में पड़ गए बेटा तो इतना समझ लेना कि फिर आप तो गए काम से, ठीक है। तो हमेशा आपका फोकस चिड़िया की आँख यानी कि आपका टारगेट यानी कि पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्ग से भटकने वाले तो बेटा बहुत होते हैं, लेकिन सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी अगर वो सारे लोग सीधे चलते रहे मज़ा तभी आता बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 की बात अगर हम करें तो एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं बेटा। कितने हैं 200 विद्यार्थी। उसके बाद कह रहा कि 50 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं बेटा। 50 क्या खेलते हैं? 50 केवल क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद 110 विद्यार्थी केवल फुटबॉल खेलते हैं बेटा। 110 विद्यार्थी केवल फुटबॉल खेलते हैं, और सुन लो क्या कहते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो शेष विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, जो बचे, अरे बचे कितने भैया, 160 तो यही हो गए, 200 टोटल थे, तो बचे कितना बेटा, 40। अभी 40 जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। क्या कह रहा है कि बैडमिंटन खेलते, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं बेटा? तो इसका प्रतिशत के लिए क्या होता है बेटा, 40 × 100 / पूर्णांक। पूर्णांक कितना बेटा, 200। चलो ये गया, तो आ गया बेटा 20%। कितना आएगा 20%, तो 20%, हाँ बिल्कुल बेटा बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, मुझे ऐसा लगता है अब की बार 20 out of 20 तो भयंकर मजा आएगा, बहुत सारे बच्चे कर लेंगे बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। इतना ईजी क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी था बेटा, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे कि -1 to the power 15 बेटा ये कितना आएगा, -1 to the power 15 कितना आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको ये बात पता होगी बेटा कि -1 × -1 × -1 ऐसे कितनी बार बेटा, 15 बार। तो देखो ध्यान से, जब दो बार गुणा करते हैं बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर जब दो बार गुणा करते हैं बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका मतलब 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14, यानी 14 तक आप जाओगे तो प्लस आएगा, जैसे ही 15वें को करोगे बेटा -1 उत्तर आ जाएगा। बात समझ में? तो याद रखना कि कभी भी अगर -1 की पावर सम है बेटा, सम का मतलब इवन नंबर, तो ये आएगा प्लस, और -1 की पावर अगर बेटा ऑड नंबर है तो ये हमेशा माइनस देगा। तो यहाँ पे ऑड है कि इवन बेटा, ऑड है, तो जिसकी वजह से इसका आंसर जो आ जाएगा बेटा वो ए आएगा, -1। बात समझ में आ रही ना, वेरी नाइस बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, -7 का निरपेक्ष मान। अरे बेटा -7 का निरपेक्ष का मतलब क्या होता है भैया? निरपेक्ष का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे आप बेटा उसको उसमें ऐड कर दो, अगर उसमें ऐड कर दो आप, अरे प्रतिलोम समझते हो ना यार, एडिटिव इनवर्स जिसको योगात्मक प्रतिलोम, ये क्या कह रहा है, हाँ ये निरपेक्ष कह रहा। तो बेटा थोड़ा सा आप इसमें लैंग्वेज को लेके परेशान हुए होंगे, अगर -7 में +7 ऐड कर दें बेटा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आएगा आपका +7। तो हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ इस क्वेश्चन ने मे भी कुछ बच्चों को गुमराह किया होगा, लेकिन ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई -6 तो हो ही नहीं सकता, 5 हो ही नहीं सकता, अब 7 और -7 में से -7 तो ऑलरेडी ही दिया गया, तो इसका मतलब आपका आंसर +7 पक्का था बेटा, थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना था। और इस तरीके से हम आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। आ जाओ बेटा उसको करते हैं जल्दी से। 64 / 8 + 9 - 2 × 3 इसको बेटा हिंदी में कहते हैं भागु जोगा बॉडमॉस का रूल। यार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, ये हो जाता है 8 + 9 - 2 × 3, और उसके बाद जब प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो बेटा तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, तो 8 + 9 - 6
प्लस प्लस ऐड कर लो बेटा, प्लस प्लस तो कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, 8 9 8 17 बेटा, 17 माइनस 16 बराबर बेटा 11 आंसर आपका आएगा, और आपका आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैंने देखा कि अब बोल दे बेटा, अब बोल दे जल्दी से कमेंट करके आप सारे लोग बता दो बेटा कि कितने लोगों का वो पूरा का पूरा 20 out of 20 सही गया, बताओ कमेंट करके तुरंत बताओ, ऐसे खट 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 लिखो, ऐसे लिखो कि मेरा 20 out of 20 जबरदस्त, ढेर सारा दिल बना दो, ऐसे लाइक मार दो खटाखट, मजा आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 out of 20 तो बहुत सारे बच्चों का चला गया होगा। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसके बाद हिंदी और रीजनिंग वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर डालेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि बार 95 उधर 100 में बहुत सारे बच्चों का आएगा। कितने बच्चों का 95 प्लस यानी कि 75 प्लस आ रहा है बेटा, आप फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ, अपना नाम बताओ, प्राइज हम देंगे बेटा, टेंशन ना लो, प्राइज आपको 10th ऑफ अक्टूबर को मिलेगी, वो भी भयंकर, मजा आ जाएगा। तो चलिए बेटा ठीक है, आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल ऐसे ही मचाते रहिए, ऐसे ही मचाते रहिए बिल्कुल एकदम जबरदस्त धुआं धुआं कर दीजिए सारे के सारे क्वेश्चंस को, ऐसे ही अपनी तैयारी बनाए रखिए, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।